ं हं सं हं सं तं तं फं फं जं जं जीं ध्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जरजनविष्यामिति स्वाहा ओम रीम श्रीम क्लीम एम अरहम वम मम हम सम तम तम पम पम वम वम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जुम जुम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडय खंडय जय जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम क्षी क्षीम हम सम झम वम ह्र साम क्षीम क्षुम क्षेम क्षे क्षौ क्षौ क्षम क्षा क्षीम राम ह्रीं ह्रूं ह्रेम रई रो रौ रम र्राम द्रा द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवती श्रीमती ठठ आज के पुण्यार्चक परिवार राजेश जी जैन सुमन लाल जी जैन ओम प्रकाश जी जैन जितेंद्र जी विकास जी जैन आष्टा निवासी अजमेरा परिवार जी शाह सौ जी प्रसाद जी प्राप्ति शाह देवेंद्र जी शाह प्रकृती प्रीती श्रेयास बोवडा परिवार कुसुंबनी निवासी तन सुकलालजी सुशीलाजी गजेंद्रजी अंतिमजी हितेंद्रजी अवनी प्रतीक दिशाजी जैन मुंबई निवासी प्रवीण कुमाजी पाटणी कुमारजी पाटणी वाशिम निवासी महेशजी जैन कुमारजी जैन सकल दिगंबर जैन समाज शिरपूर निवासी इन सभी कि स्त्रीरस्त वृद्धिरस्त तुष्टिरस्त पुष्टिरस्त शातीरस्तु कालवस्त स्वाहा एवस्माक अस्माकं सर्वघ्न सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवत्राय नमो नमः सर्वेशां श्री शांति भट्टारक पाद पद्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्या अभिवृद्धिरस्तु तन उपजत अपनी उपजान तन नशत आपको नाशमान अजीब तत्व की भूल एक इतनी बड़ी भूल है कि शरीर की उत्पत्ति को यह अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश को अपना नाश मानता है हरदम व्यक्ति के सामने मौत का डर सताता रहता है लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये अजीब जो हमारा पुद्गल है किसी का देहांत होता है देह का अंत नहीं होता है किंतु देहांतर होता है एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर को प्राप्त करता है और इसी का नाम देहांतर है लेकिन हम लोग मृत्यु देहांतर देहांत निधन मौत इन सब शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं शोक और भय में डूबे रहते हैं हम ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार ये मृत्यु है क्या, क्या पर मृत्यु को कोई जीत सकता है ये बात हम लोगों के सामने आती है तो यदि कोई मृत्यु को जीतने वाला है तो वो मृत्यु को अगर कोई जीत सकता है तो वो जीत सकते सिर्फ अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान दोनों ने ही मृत्यु को जीता है इसलिए वो जयी कहलाए और इसके उपरांत मौत से डरने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं और क्योंकि वो मौत से इसलिए डरते हैं कि वो शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मेरा जन्म हो गया ठाठ से जन्मदिन मनाते हैं पर वो ये बात को भूल जाते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है मृत्यु अटल सत्य है इस मृत्यु के अटल सत्य को कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं सकता है और जन्म निश्चित है जब मृत्यु होगी तो जन्म निश्चित होगा और हम लोग भगवान की उपासना करते हैं तो हम लोग एक ही बात बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु बिना सुनाए जलम दी स्वा अब हमारे सामने बात आती है कि हम जब जल को समर्पित करते हैं जल को चढ़ाते भगवान के सामने तो उस समय हम जन्म जरा मृत्यु लेकिन ये जन्म जरा और मृत्यु आत्मा की नहीं है और हम आत्मा से जन्म जरा मृत्यु के रोग को विनाश की बात कहते हैं लेकिन एक बात है कि जन्म बुढ़ापा और मृत्यु ये तो सब चलती रहेगी इसके जब तक संसार है तब तक ये है लेकिन जिसने ये समझ लिया कि मेरी मृत्यु नहीं है मेरा जन्म नहीं है इस शरीर की उत्पत्ति और शरीर का अंत है और जो शरीर को समझ लेता है कि शरीर शीरियती इति शरीरा जिस जो जीर्ण शीर्ण होता रहता है जिसका हमेशा परिवर्तन होता है वो शरीर है उस शरीर के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं कर सकता शरीर व्याधिमंद्रम शरीर में रोग आएंगे तो आएंगे ही आएंगे उन्हें कोई रोक नहीं सकता है और जब शरीर के रोगों को कोई रोक नहीं सकता है फिर क्या होगा इस पर हमें विचार करना है हमें चिंतन करना है हमें सोचना है